शनि उड़ाने वाले हैं इन पांच राशियों की नींद। 1 जुलाई से शुरू होगी कठिन समय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल प्रबीर दास व्लॉग पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। 30 जून को शनि वक्री हो चुके हैं और इसका प्रभाव सभी के जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इस बार खासकर 5 राशियों के लिए ये समय कठिनाइयों से भरा हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को न्याय का देवता माना जाता है, जो सभी राशियों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि की चाल में जब भी परिवर्तन होता है तो उसका व्यापक प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखा जा सकता है। कलयुग में शनि का प्रभाव भी अधिक माना जाता है। जून के अंत में शनि की चाल बदलने वाली है, जिसका बड़ा प्रभाव जुलाई की शुरुआत से ही देखने को मिलेगा। शनि की गति सबसे धीमी होती है और इस समय वह अपनी खुद की राशि कुंभ में विराजमान है। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में होता है तो वह पृथ्वी के निकट होता है और उसका प्रभाव बढ़ जाता है। शनि की वक्री चाल कुछ राशियों के जातकों के लिए संकट खड़ा कर सकती है। उन्हें 139 दिनों तक कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिससे शनि के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। शनिदेव 30 जून की रात्रि 12:35 पर कुंभ राशि में वक्री होंगे और 15 नवंबर तक उल्टी चाल चलते रहेंगे। इस स्थिति में कई राशियों के जातकों के लिए ये समय काफी कष्टकारी हो सकता है। शनि के वक्री होने से लोगों को नौकरी और व्यापार में हर कदम सावधानी से रखने की सलाह दी जाती है। कर्क और तुला सहित 5 राशियों के लोगों को नौकरी के मामले में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। जिन राशियों पर शनि की 7.5 और दया पहले से ही चल रही है, उन्हें शनि के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से है वह 5 राशियां जिन पर गिरने वाली है शनि की गरज। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं। 1. मेष राशि। जैसे ही शनि वक्री होंगे, मेष राशि वालों का समय बदलता हुआ नजर आएगा। शनि की वक्री चाल आपके जीवन में कष्टों को बढ़ा सकती है और नौकरी एवं कारोबार में अचानक कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक हानि के योग बन रहे हैं और ऑफिस में सहयोगी आपकी मदद नहीं करेंगे। शनि की चाल आपके निजी जीवन को भी बुरी तरह प्रभावित करेगी। परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद शुरू हो सकता है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है और जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में खटास आ सकती है। समस्याओं और तनाव में वृद्धि हो सकती है और आपको अपने क्रोध पर काबू रखना कठिन हो सकता है। किसी भी कार्य को पूरा करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे और कई क्षेत्रों में आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। समय पर आपको यात्रा करनी होगी, जो खर्चीली हो सकती है। उपाय: शनि के वक्री होने पर शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय करने के लिए, इसके लिए शनिवार का व्रत रखना चाहिए। शनि मंदिर में जाकर उनके दर्शन करें, शनि देव को तेल, काले तिल और नीले फूल अर्पण करें। इसके बाद शनि दो देव से मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके अलावा इस दिन भगवान शिव का भी उपवास करना चाहिए और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करना चाहिए। 2. वृषभ राशि के लोगों को शनि की वक्री चाल के कारण आने वाले समय में कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में आपको उच्च अधिकारियों के क्रोध का शिकार बनना पड़ सकता है और ऑफिस में आपके साथ भेदभाव हो सकता है। टारगेट पूरा न होने पर आपको डांट सुननी पड़ सकती है। वहीं कारोबार में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेशनल लाइफ में तनाव के कारण आपके घर की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। उपाय के रूप में हर शनिवार को काले कपड़े पहने ऑफिस जाएं। शनि की वक्री चाल से बचने के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर जाकर तिल के तेल का दिया जरूर जलाएं। शनि देव को सरसों के तेल से स्नान कराएं। शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। इसके अलावा बजरंग बली की पूजा जरूर करें। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। रोजाना हनुमान चालीसा भी करें। ऐसा करने से शनि का नकारात्मक प्रभाव काफी कम हो जाता है। 3.
कर्क राशि के लोगों को शनि के वक्री होने से निजी जीवन में तनाव और शासन का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको नौकरी या फिर व्यवसाय में किसी प्रकार के बदलाव से दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपके जीवन में कष्ट बढ़ सकता है। ऑफिस में सहयोगी आपको नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। आपके घर परिवार या रिश्तेदार की ओर से कोई अशुभ सूचना आपको मिल सकती है। आपके घर में पैसे की कमी होने की वजह से आपस में सभी लोगों के बीच झगड़ा बढ़ सकता है। उपाय के रूप में हर शनिवार शनि मंदिर जाकर शनि से अपने कमों की क्षमता याचना करें। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर शनिवार कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर छाया दान करें। हर दिन हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि के ओम शनि देवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। हर शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ में दीप प्रज्वलित करें और जल अर्पण करें। 4. तुला राशि पर शनि वक्री का प्रभाव। शनि के वक्री होने पर तुला राशि वालों को दिक्कत हो सकती है। शनि वक्री के दौरान तुला राशि के लोगों को सावधान रहने की सलाह है। आपकी जीवन में मुसीबतें अचानक से बढ़ सकती हैं। नौकरी में अचानक से समस्याएं पैदा हो सकती है और आपके लिए काम कर पाना मुश्किल होगा। आपका आता हुआ धन अचानक से कहीं रुक सकता है। इस वक्त अगर कोई नया निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छे से सोच विचार कर ले या फिर अभी रुक जाएं। आपका पैसा फंस सकता है। जीवन साथी मतभेद हो सकते हैं। अत्यधिक खर्च से मन परेशान रहने वाला है। सेहत भी खराब रह सकती है। अस्पताल जाना पड़ सकता है। व्यापार में आर्थिक नुकसान हो सकता है। किसी के ऊपर आंख मुड़कर भरोसा ना करें। आलस बढ़ाने के कारण कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो सकेगा। छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। उपाय के रूप में शनिवार को बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। अगर आपकी कुंडली में शनि देव है तो शनि के वक्री होने के दौरान शनि ग्रह की शांति के लिए पूजा कारण मानता है कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते हैं। ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली की तेल का दीपक दान करें और सिंदूरी रंग का चोला अवश्य चढ़ाएं। 5. कुंभ राशि। इस राशि के जातकों के लिए भी शनि वक्री चाल शुभ नहीं दिख रही है। कुंभ राशि के लोगों पर भी शनि के वक्री होने का सबसे अधिक विपरीत प्रभाव होगा। आपकी सेहत में अचानक से गिरावट आ सकती है और आपको शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। करियर के मामले में आपके लिए सही निर्णय लेना जरूरी हो गया है। ऑफिस और बिजनेस में कुछ चीजें आपके खिलाफ हो सकती हैं। आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार कर ले। धन का निवेश करें तो आपके लिए अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में फैसला पक्ष में नहीं रहेगा। किसी विवाद में बिल्कुल भी ना पड़े अन्यथा फंस सकता है। मानसिक तनाव भी हो सकता है। अगर आप वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से चलाएं। चोर प्रभावित की संभावना है। माला से महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें या फिर वृद्ध आश्रम में जाकर समय और श्रम दान करें। वृद्धों और बीमारों की सेवा करें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।